तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल में पिवट टेबल और पिवट टेबल के अंदर एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में। एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल में हम सीट टू सीट, फाइल टू फाइल एंड अदर एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास थोड़ी एक डेटा है, मैं इसको टेबल टूल्स में जाके कन्वर्ट टू रेंज करूंगा। ये कन्वर्ट टू रेंज है। अब मैं पिवट टेबल लगाता हूं इसमें, नॉर्मल जो पिवट टेबल हो वो हमने नॉर्मल पिवट टेबल लगा दिया, तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत होगी कि कल के रेट में अगर इसमें कोई पर्सन इंक्रीज होता है तो ये यहाँ पे अपडेट अपने आप को नहीं करेगा। हमें रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि डेटा सोर्स में आप कोई नई, अगर कोई पुरानी एंट्री को चेंज करते हो तो रिफ्रेश करने से आ जाता है, लेकिन जब आप कोई नई एंट्री इसके नीचे डालेंगे पिवट टेबल का नहीं आएगा। इसके लिए हमने आपको बताया था कि पिवट टेबल जाना है, डिजाइन में जाना है, और ये हमारा था चेंज डेटा सोर्स। लेकिन मैं पिवट कुछ ऐसा लगाना चाहता हूँ कि मुझे बार बार इस तरह की चेंजिंग ना करना हो, वो ऑटोमेटिक अपना रिपोर्ट कर ले। उसके दो तरीके हैं। पहला कि आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करो। यू सर या टेबल एंड अब इस पे अगर आप पिवट लगाते हैं यहाँ पे जाके इंसर्ट में, तो ये पिवट टेबल टेबल पे लगेगा और टेबल में जैसे कोई एंट्री आप करेंगे नीचे वो अपने आप को खुद बखुद ले लेगा टेबल उसके अंदर, या फिर नहीं लिया तो यहाँ से उसको ड्रैग कर सकते हो आप। तो लेकिन ये भी उतना इजीली नहीं करता, उतना जो चाहिए वो नहीं होता है। जो चाहिए वो होता है हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल। इसी में हम पिवट लगाएंगे लेकिन एक्सटर्नल मेथड्स। तो एक ब्लैंक शीट को क्रिएट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पिवट टेबल क्लिक करेंगे। पिवट टेबल पे जहाँ बस ओके प्रेस कर देते थे वहीं पे आपको यहाँ लिखेगा यूज एज एक्सटर्नल डेटा, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसमें चूज कनेक्शन पे क्लिक करें, ब्राउज फॉर होम, और यहां से जो आपका फाइल एक फाइल है जहां पे होगा उसका लोकेशन मिलेगा। उसके बाद पूछेगा सीट, क्योंकि एक बार में सी एक सीट से पिवट लग सकता है, इसलिए आपको सीट का नेम देना पड़ेगा। तो मैंने डेटा सीट कर दिया एंड ओके, ये मेरा पिवट लग गया। अब मैं यहाँ पे नेम रख दिया और मान लीजिए अब मैं जैसे अपने पिवट को रिफ्रेश करूं, आ गया हमें डेटा रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं। आया समझ में आप लोगों की नहीं? हेलो। यस सर। यस सर। आगे सर। आगे आगे। सर मैं बहुत लेट से ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे थोड़ा जल्दी बड़ी परमिशन दे देंगे क्या? मैं ज्वाइन बहुत लेट से किया हूँ। क्या सर अभी दो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है? मैं 5-7 मिनट ही मैंने स्टार्ट किया।
में भी स्टार्ट किया मुझे परमिशन दे दिया रिकॉर्डिंग का दे दिया रवि जी को डाउट इसमें नहीं सर ये सर दूसरे वाले शीट में करेंगे टेबल में तो इस वाले शीट में होगा ना हाँ मतलब करने का मतलब है अब ये तो हो गई हमारी फाइल टू फाइल कि एक ही फाइल में पिवट टेबल में लगाऊंगा लेकिन रिलेशन इस पे पिवट इसके बदल से किसी बात से एक और समझा देता हूँ ठीक है बेसिकली क्या है कि मेरे पास सी रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए ध्यान दे क्या बोल रहे किसने कुछ बोला कुछ सुन नहीं पाया तो मेरे पास एक डेटा है तो इस डेटा में हमारी एंट्री होते रहती है अब मैं इस पे पिवट टेबल लगाता हूं तो दिक्कत क्या होता है कि मुझे बार बार डेटा यहाँ पिवट टेबल पे रीसेट करना पड़ता है डेटा को चेंज डेटा सोर्स में जाकर तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई डेटा इनपुट करूँ तो मेरा पिवट पे ऑटोमेटिकली आ जाए उसके लिए मैं एक ब्लैंक शीट इंसर्ट करूंगा फिर मैं टेबल इंसर्ट में जाऊंगा पिवट टेबल और पिवट टेबल में मैं यहाँ पे चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे आऊंगा चूज कनेक्शंस अब यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने एक बार कनेक्शन बना दिया है वो यहाँ दिख जाएगा नहीं आपको आपके आपके फाइल इसमें नहीं है तो ब्राउज फॉर मोर और उस पर्टिकुलर फाइल को आप सिलेक्ट ओके एंड ओके एंड अब मैं अगर डेटा में कोई भी चेंज करूंगा तो रिफ्रेश करते हमारा यहाँ पे अपने आप चेंज कुछ भी चेंज कर पा देता बस एक बार रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे अपने आप आ जाए ठीक है अब इसमें हम ये तो चल ठीक है लेकिन मुझे करना है किसी और फाइल मतलब कि आपके ऑफिस में हो सकता है कि एक बहुत बड़ी फाइल हो जिसको खुलने में काफी टाइम लगता हो और उसमें काफी लेट परफॉर्मेंस होता हो तो उसमें अगर मान लीजिए आपका डंप है आप बस उसमें से रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको एज ए प्यूअर यहाँ पे पैच कर सकते हैं कैसे सेम उसी तरह से जैसे आपने किया है इंसर्ट टेबल डेटा सोर्स पहले से अवेलेबल है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके एंड अगर आपकी डेटा एमएस एक्सेस में पड़ी है तो आप यहां से भी जैसे आपने एक्सेल की फाइल को चूज किया था ब्राउज फॉर मोर में जाके ऐसे आप यहां पे एक्सेस की फाइल को चूज करें Thank you. Take a look, yes, for me. Thank you.
सर इस पर नहीं है कोई एक्सेस करेगा। एक्सेस में आप यहाँ एक्सेस की फाइल को सिलेक्ट करके ओके करें। एज और भी फाइल लिस्ट होगी आप, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास डाउनलोड में कोई जेसन फाइल, अगर कि जेसन डेटा होता है सेल्स डेटा वो फाइल, लाइक जॉब्स मैंने क्या किया इसकी पूरी पाथ को कॉपी जेसन अच्छा डेटा ही नहीं था सॉरी। तो कोई भी फाइल टाइप को इसके अंदर रख सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक्सेस का डेटा नहीं है, एक्सेस डेटा होगा सिंपल सिलेक्ट कर लेंगे, या मान लीजिए आपको जो है SQL सर्वर से लेना हो, तो अगर कुछ सर्वर वगैरह लेना है तो आप न्यू सोर्स पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपके SQL सर्वर का ऑप्शन है, नेक्स्ट कीजिए, अपना SQL सर्वर की आईडी डालिए, और अगर आपका लोकल होस्ट विंडोज सर्वर पे है तो ओके कर दीजिए, अदरवाइज यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा। तो मेरे लैपटॉप नया है तो मेरे पास डेटा वगैरह नहीं है, तो डेटा वगैरह होंगे तो आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद इसी में आपके पास एक और आता है आपका ओरिकल का होता है, ओरिकल का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो ओरिकल का डेटा भी लेके आ सकते हैं। ओरिकल तो मेरे पास है नहीं, बता देता जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मेरा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूंगा फिर समझा दूंगा। ऐसे डेटाबेस को तो सेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फाइल से मैं भी देखा आपने जेसन फाइल आया था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस की फाइल आपको आएगी, उस फाइल के पाथ को यहाँ डाल दीजिएगा, वो आपका ऑटोमेटिकली पिक कर ले। या फिर मान लीजिए कि आपके पास कोई ए है, वेबसाइट एड्रेस है, और वेबसाइट एड्रेस पे हर बार आपको उसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उस पे आप करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्च किए और ये जैसे डाउन हमने हमारा ई दिख रहा आपको कंटेन, या फिर यहाँ पे बहुत सारे पासवर्ड दिख रहे हैं, एक बार इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड हो रहा है ना, तो यहाँ से आप इसकी पास को कॉपी कर सकते हैं डाउनलोड। तो मुझे बार बार इसको डाउनलोड करके फिर इस पे पेपर लगाना पड़ता है, तो मैंने क्या किया कि जो डाउनलोड करने वाला लिंक है उससे लिंक को कॉपी कर, और फिर एक्सेल में गया और यहां जहां पे फाइल नेम था उस पे उसको पेस्ट कर एंड ओके किया।
अब देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो हर बार डाउनलोड करेगा तो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा, हर बार डाउनलोड करेगा और यहाँ पे आपको डेटा सही सही मिलता है। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल का मतलब होता है कि आप बाहर किसी और लिंक से आपके पास जो भी आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उस पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर और किसी को